मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ? जबकि मुझे पता है तो उन लोगों की ही तरफदारी करेगी जिनके वजह से आज तेरी ये हालत है। हमारे फोटो भेजने के बाद कोई बात तो नहीं हुई है उनकी, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। तू ही बता, इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली की बहू नौकरी करेगी? कोई जरूरत नहीं एग्जाम शिक्षाम देने। सुना आपने, हम ये कभी नहीं होने देंगे। क्या कर रही है, क्या कर रही है ये? तू कहना क्या चाहती है काकुल? हम तेरे बच्चे की जान लेना चाहते? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है काकुल कि हम तुझे इतना बड़ा धोखा देंगे? फिर ये डॉक्टर क्यों आई थी? ये दवाई किस लिए है? बोली? अच्छा 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 अच्छा, ये प्रोग्राम है। हम कितने गिरे हुए हैं ना काकुल, मतलब इस हद तक हम गिर सकते हैं तो खुद हम नहीं सोचे कभी। तुम्हें अबॉर्शन के लिए इसलिए कहे थे क्योंकि हमें वही रास्ता सही नजर आया था, लेकिन जब तुमने मना कर दिया तो दिल पे पत्थर रख लिया। हम सोचे कि चलो ये ब्लंडर भी बर्दाश्त करेंगे जिंदगी में। अगर बच्चे का ख्याल होता ना तुमको तो पहले अपना ख्याल रखती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी ना तुम, इसलिए बुलाए हम डॉक्टर को, क्या पाप कर दिए? शर्म नहीं आता तुम्हें? हम पे शक कर रही हो? जो आदमी रात दिन तुम्हारी चिंता में घुलता रहता है उसकी पर शक कर रही हो तुम? हम जहर दे देंगे तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। ये क्या तुम्हें जहर दिखता है? विटामिन का गोली है। विश्वास नहीं होता तो जाओ उस डॉक्टर को तो कहीं पूछेंगे, तो हम बुलाए थे। तो जाओ तुम किसी मेडिकल स्टोर में जाके पूछो, पहले पूछो ये क्या है। कोई मदद नहीं करेगा इसका, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा इसकी लाइफ में। जी तो जैसे जीती है। बैठो बैठो सुमा, दिस इज आवर न्यू प्रोजेक्ट। सम्मान इसे हमें किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। बहुत सारी कंपनीज इस पर आंख लगाए बैठी हैं। इस कंपनी के लिए तुम्हारा ये पहला असाइनमेंट है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स, आई डू माय बेस्ट। प्रणाम सम्मान, मुझे हारने की आदत नहीं। I want this desperately for my company. मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैंने ये प्रोजेक्ट किसी और को देने का वादा कर दिया है। बिजनेस में वादे नहीं, प्रॉफिट देखा जाता है। आप इस प्रपोजल पर एक नजर मारिए, उसके बाद आप इनकार नहीं कर पाएंगे। मिस्टर भाटिया, इससे ज्यादा फायदे का प्रपोजल आपको और कोई नहीं दे सकता। एक अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन बनने की सारी खूबियां है तुम्हें, कॉन्फिडेंस भी कमाल का है। बट आई एम सॉरी यंग मैन, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। मैं फैसला ले चुका हूं। आई थिंक मिस्टर भाटिया, आपको अपनी डिसीजन के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। जस्ट गो थ्रू दिस फाइल एंड आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। गुड डे मिस्टर भाटिया। थैंक यू। मिस्टर भाटिया जिन्हें प्रोजेक्ट देने की बात कर रहे थे, कहीं वो पापा ही तो नहीं है? ओह माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा हूं? आपको पता था आपको कि पापा भी इसी प्रोजेक्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, और आपने उनके कोटेशंस पता किए और उनसे कम अमाउंट कोट किया, और ये जिम्मेदारी भी आपने मुझे ही सौंप दी जिससे अपने पापा की नजरों में मैं और भी गिर जाऊं। सम्मान, तुम पापा से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? सम्मान, इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, ये बिजनेस है एंड वन कांट मिक्स बिजनेस विद रिलेशंस। ऐसा आप सोचते हैं, मैं नहीं।
मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर और कोई नहीं है। आखिर तुम्हारे मन की बात जबान पर आ ही गई। समान तो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार तो हो गए, मगर अब भी तुम्हारे मन में अपने पराए का फर्क है। तुम मुझे और मेरे बिजनेस को अपना नहीं समझते, जबकि मैंने तुम पर पूरा यकीन कर लिया। आपने मेरे लिए नहीं, अपने फायदे के लिए मुझ पर यकीन किया। पापा, क्या समान सच कह रहा है कि आपने इंटेंशनली उसे? गलती की मैंने, फिर से एक बहुत बड़ी गलती की। आई एम सॉरी समान, मगर अब तो तुम्हारे लिए मेरा शक और भी बढ़ गया है कि तुम वाकई वंशिका के लिए सीरियस हो या फिर उसे धोखा देकर चले जाओगे। एक मिनट नहीं हुआ अभी आपको यह कहे हुए कि बिजनेस में रिलेशंस को मिक्स नहीं किया जाता। और वंशिका मेरी बेटी है। तुम्हारे लिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, मैंने लाख समझाने पर भी वो एक नहीं मानी। जैसे तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में उसके लिए कोई है ही नहीं। तुम उससे वादे करते रहे और वो तुम्हारे हर वादों पर भरोसा करती रही, क्योंकि नादान है वो। अगर तुम्हारे मन में वंशिका के लिए सच्चा प्यार होता तो तुमने वो डिवोर्स पेपर कब के साइन कर दिए होते। मगर तुम्हारे मन में तो कुछ और ही है और इसीलिए तुम इस बात को हमेशा टाल जाते हो। डिवोर्स पेपर्स और बिजनेस में पापा के खिलाफ इस प्रोजेक्ट के बहाने आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं? मुझे ये मंजूर नहीं है। बात खत्म हो गई ना काकू, अब क्या इसी को लेकर बैठी रहोगी? हमसे ऐसी भूल हो कैसे गई रीना? हम तो जीजू और दीदी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और हमने हमने तो उन पर ही शक किया। काकू अब हो गया ना, देखो कुछ तुम्हारी प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज के कारण और कुछ तुम्हारी अपनी दिमागी हालत के कारण, जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ उसे सहन करना आसान भी तो नहीं है ना। ऐसे में कभी कभी अपनों पर से भी भरोसा उठते देर नहीं लगती? यही तो हम नहीं चाहते हैं रीना, हम जीजू और दीदिया को खोना नहीं चाहते, उन्हें भी खो बैठे तुम तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? काकुल काकुल ऐसा कभी नहीं होगा। दीदी और जीजा जी भले ही थोड़ी देर के लिए तुमसे नाराज हो जाए लेकिन अपनी आंखें तुमसे कभी नहीं फेर सकते। मेरा विश्वास करो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सही हो रीना। आपको लगता है कि वंशिका से अपना प्यार और लॉयल्टी साबित करने के लिए यही सिर्फ एक तरीका बचा है तो लीजिए। कर रहा हूं मैं साइनिंग पेपर्स पर। रहने दो समान, फिर तुम ये कहोगे कि मैंने जबरदस्ती की? नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको, प्रूफ चाहिए इस बात का कि वंशिका को कितना प्यार करता हूं मैं, तो वो प्रूफ मैं आपको जरूर दूंगा। लीजिए। अब तो खुश हैं आप? और अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो सम्मान, तुम चाहे जो सोचो मगर तुम्हारे पिता के खिलाफ तुम्हें खड़ा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने इन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर करवाए हैं। पर सिग्नेचर करके तुमने अच्छा ही किया सम्मान, समझता हूं मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, पर सम्मान ये बिजनेस है और बिजनेस में हार्श डिसीजन लेने भी पड़ते हैं। लेकिन सम्मान मैंने तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं चाहा, लेकिन हाँ मार्केट में अपनी साख बनाए रखने के लिए
मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। एनीवेज, मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी। क्या कह रही है तेरी मशीन? बेकार होती है आप, बीपी ठीक नहीं है आपका। वो तो मैं भी जानती हूँ। तो निकाल दीजिए ना सारी बातें दिमाग से, इतना क्या सोचती रहती हैं आप? इतना आसान नहीं है, सोचूं नहीं तो और क्या करूं? सम्मान जो गया, पलट करूं उसने देखा भी नहीं। देविका की शादी के लिए एक पेपर में ऐड दिया था, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। एक तू है जो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा, और काकुल, एक बहू आई थी इस घर में, उसे भी सहज कर नहीं रख सके। हाँ बोलो। How are you? ठीक बात। हाय। क्या हुआ उस इंटरव्यू का? पता नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, कल ही होगा जो होगा। ऋषभ, I'm missing you. Me too. पता है आज बंटी क्या कह रहा था? क्या? पापा तो पूना से ज्यादा मुंबई में रहते हैं, तो हम भी उनके साथ क्यों नहीं रहते? Now I hope कि तुम्हें वो जॉब मिली जाए। मुझे मुश्किल तो जरूर होगी ऋषभ, लेकिन टाइम हैज कम, हमें डिसीजन लेना ही होगा। I'm sorry, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अब पापा को एक और शौक देने की मुझमें हिम्मत नहीं है। और कुछ हुआ क्या? अरे वही सक्सेना। लेकिन हुआ क्या? अरे पापा का कोटेशन अप्रूव होने के बाद भी सम्मान सक्सेना की तरफ से सक्सेना को बिजनेस दिलाने की कोशिश कर रहा है। I'm sure कि सम्मान को ये बात नहीं मालूम होगी। हाँ हो सकता है, I don't know, लेकिन पापा का गुस्सा तो ये सारी बातें देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं। नहीं आता मैम, कैसे संभालूं पापा को? अच्छा तुम अपना दिमाग ठंडा रखना, एंड यू टेक केयर। या ओके बाय। सम्मान, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ अंदर आओ। हिम्मत नहीं हो रही मेरी। तो छोड़ के गए क्यों थे? खैर अब जिसे जाना था वो तो जा चुकी है, तुम्हें क्या दिक्कत है? आ जाओ। पापा हैं घर में? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन आते होंगे। आओ अंदर आओ, तुम्हारा अपना घर है, और भी तो लोग हैं घर में। दादी से मिलो, दादी बहुत परेशान है, रो रही थी, कुछ देर पहले याद कर रही थी तुमको। जाओ मिलो। ठीक है। खुश हूं, तुमने मेरा हाल पूछा, उसके लिए थैंक यू कहने की तो जरूरत नहीं है ना। बहुत नाराज है ना आप मुझसे? इस बात से तुझे कुछ फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें यहां आता है क्यों? ये मैं कैसे बता सकती हूं? तुम लोग अब बड़े हो गए हो, अपना भला बुरा समझ सकते हो, इस बुढ़िया की बात क्यों सुनो? दादी प्लीज, प्लीज दादी, ऐसा मत कहिए दादी, प्लीज। मैं जानता हूं मैंने बहुत दुख दिए हैं आपको, लेकिन दादी आप हमेशा से मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। तो फिर तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? सम्मान, मेरी नजर में काकुल से अच्छी लड़की तुझे इस दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन तू ऐसा नहीं सोचता, तो क्या करें? कितने सपने, सबके लिए प्यार, इज्जत,
सब कुछ लेकर आई थी इस घर में अंकुल, और अपनी जोड़ी में दर्द और आंसू लेकर वापस गए, और साथ में इस घर के चिराग को भी ले गई। तेरा बच्चा सम्मान, तेरा बच्चा, तुम अपने बच्चे से भी मुंह मोड़ लोगे? मैं क्या करूं, कोई समझता ही नहीं है मुझे। सब सोचते हैं कि मैं ही गलत हूं, है ना दादी? अगर तू ये समझ रहा है तो वापस आ जा। प्यार में किया वादा निभाने की पड़ी है तुझे, लेकिन उस घर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अपने फैमिली की तरफ भी तेरा कोई फर्ज है, जानता है ना? अपने बाप का हाथ बटाना, अपनी बड़ी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का चुनकर उसकी शादी कराना, उस बेचारी का जीवन कब से खुशियों का इंतजार कर रहा है। क्या उसे जिंदगी भर तक कुंवारी बिठा कर रखेगा? वापस आ जा सम्मान, वापस आ जा। काश ऐसा हो सकता दादी। हाँ, ऐसा हो भी सकता है अगर पापा वंशिका को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाए। अगर उनके समझ में ये बात आ जाए कि मैं काकुल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। काकुल अच्छी लड़की है, लेकिन मैं प्यार नहीं करता हूं उससे। हाँ ठीक है, हम करते हैं उस बारे में कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे सब। एक दिन में थोड़ी ऐसा चीज होता है, देखते हैं। दूसरा फोन है, आ रहा है हमारा। कोई बात करना था तुम्हें जी? तो फिर काहे इतना बेचैनी से वेट कर रही हो तुम? आप हमसे नाराज हैं? कैसी बातें करती हो काकुल, हम तुमसे कभी नाराज हो सकते हैं? यही पूछना था तुम्हें, यही पूछना था। तुम दोनों बहनों को हमारा टाइम वेस्ट करने में मजा आता है क्या? हाँ, जैसे आपको हम पर चिल्लाने में मजा आता है। अरे कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है? ये इसका सुई वहीं अटक जाता है बस। चार बार पूछ चुके हमसे कि हम नाराज हैं कि नहीं। फिक्र होता है हमें तुम्हारा, जब आने वाले कल के बारे में सोचते हैं ना काकुल, तो बौखला जाते हैं हम। क्या होगा, कैसे होगा, इसी कंफ्यूजन में चिल्ला देते हैं बस। तुमसे क्या नाराज होंगे हम, चिंता होता है तुम्हारा बस। अब और दो तीन बार पूछना है कि हम नाराज हैं कि नहीं, तो पूछ लो, क्योंकि जाना है फिर हमें। अगर ये कह रहे हैं कि तुझ पर नाराज नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तुझ पर बहुत नाराज है। लेकिन तू टेंशन मत ले, शाम तक सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मानोगे नहीं तुम, वापस नहीं आओगे? भैया आप सब जानते हैं, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं। सम्मान बेटा, तूने वंशिका के साथ रहने का फैसला किया है, उसके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन इस वक्त तेरे पापा को तेरी बहुत जरूरत है। नया काम अकेले कैसे संभाल? मामा, मैं जानता हूं पापा अब मेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उनके सामने आकर मैं खामखा उनका मूड खराब नहीं करना चाहता। अकेले होते हुए भी वो सब संभाल लेंगे। ना माँ, आप चिंता मत करो प्लीज। चलता हूं। इतने
इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं छोटे दामाद जी? आइए। कैसे हैं छोटे दामाद जी? अरे ओम शंकर जी, आप राधे जी, जीते रहिए जीते रहिए। आप कब आए? अभी आए हैं। घर में हवन है कल, तो उसी का आमंत्रण देने आया था। आप आ रही हैं ना? काश आ सकती। मुंबई पहुंच गए हैं बॉस, बिना किसी को कुछ बताए, और हमें कानों कान खबर नहीं होने दिए। हम बताएं कहां हैं? बताएं, क्योंकि विश्वास नहीं रह गया हम पे। मिस्टर सक्सेना ने जो भी आपके साथ किया बहुत बुरा किया। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि उन्होंने मौके का फायदा उठाया है। अंकल आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये बात तो जानते ही होंगे कि अगर कोई भी बिजनेस डील या पार्टनरशिप ऐसे बीच में एंड कर दी जाए तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। सो अंकल, आप मिस्टर सक्सेना पर एक केस क्यों नहीं फाइल कर देते? और कल सब लोग हवन पे आ रहे हैं पटना, तुम भी आ जाओ, काकुल को बहुत अच्छा लगेगा। जी मैं जरा मम्मी से बात करती हूँ और फिर ऑफिस में भी देख लूँ कि छुट्टी मिल सकती है कि नहीं। तुम कहो तो हम तुम्हारे बॉस से बात करें। अब तो मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक माफ नहीं करूँगा। आज के बाद सम्मान के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। अब तो मैं उसकी परछाई को भी इस घर में आने की इजाजत नहीं दूंगा।